हेलो, दिस इज हरीश खैरनार, फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज। आज हम बात करेंगे आम बजट के बारे में, जिसको संवैधानिक भाषा में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 112 बजट इसके बारे में बात करता है। भारत के लिए बजट पेश करने की शुरुआत वैसे तो 1860 में ब्रिटिशों के द्वारा ही की गई थी। आज़ाद भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शणमुगम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, जिसमें सिर्फ 7 महीनों के वित्तीय लेखे जोखे की बात की गई थी। अगर हम भाषा की बात करते हैं तो पहले सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही बजट की कॉपी निकलती थी, पर सी डी देशमुख जो भारत के तीसरे वित्त मंत्री थे, उन्होंने हिंदी में भी बजट की कॉपी प्रिंट करवाने की शुरुआत करी थी। 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने ही सरकार में वित्त मंत्रालय की कमान संभाली। अगर आप जानते होंगे तो 1969 में मोरारजी देसाई को हटा के खुद इंदिरा गांधी ही तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, और इस हिसाब से उन्होंने ही अपनी सरकार में 1970 में पहला अपने दौर का बजट पेश किया था, और इस हिसाब से वो बन गई थी बजट पेश करने वाली पहली महिला। एक और ब्रिटिश प्रैक्टिस थी जो भारत बहुत सालों तक चलाता रहा, सालों तक क्या, दशकों तक चलाता रहा। बजट फरवरी के आखिरी दिन शाम को 5 बजे प्रस्तुत होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि तब लंदन में सुबह के 11 बज रहे होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने इस बात को बदला और दिन के समय बजट पेश किया। वर्ष 2016-17 को याद रखा जाता है बदलाव के लिए, क्योंकि बजट की तारीख तो चेंज हुई थी, लेकिन उसी के साथ ये वह साल था जब सुरेश प्रभु तब के अपने रेल मंत्री थे, उन्होंने भारत का आखिरी इंडिपेंडेंट रेल बजट पेश किया था, और सबसे पहले संयुक्त बजट पेश करने वाले व्यक्ति या वित्तीय मंत्री बने थे अरुण जेटली साहब। रिकॉर्ड्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ऐतिहासिक बदलाव करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जैसे कि ब्रीफकेस की जगह बही खाता लेकर आना हो, बजट को पेपरलेस बनाना हो, या आज तक का सबसे लंबा बजट प्रस्तुत करना हो, इत्यादि इत्यादि। इतिहास और बदलाव की बात तो अब खूब कर ली, मुड़ते हैं इस साल के आम बजट की तरफ। इस साल के बजट को समझते हुए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सरकार की भूमिका क्या है, क्योंकि इसको जानना बड़ा जरूरी है। कोई भी व्यवस्था मूलभूत तौर पर दो तरीकों से बदलाव करना चाहती है, जिसमें टेक्निकल और स्ट्रैटेजिक बदलाव का समावेश होता है। डिटेल से परखा जाए तो ये बजट स्ट्रैटेजिक बेसिस यानी कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ज़्यादा अहमियत देता नजर आता है। अगर हम सेक्टर्स की बात पर या उसके सेक्टर्स के तौर पर बात करेंगे तो आपको समझने में शायद आसानी होगी। हम जैसे पीएम गतिशक्ति की बात कर लेते हैं, जिसमें रोड्स, रेल्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, इन सब को लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर इनके साथ काम किया जाएगा और एक बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट डेवलप किया जाएगा जो कि वर्ल्ड लेवल का होगा। एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान के साथ हम लोग इसके तहत 2500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज भी बनाएंगे। 100 नए कार्गो टर्मिनल्स भी अलॉट होंगे। नई जनरेशन की 400 वंदे भारत रेल्स रिप्लेसमेंट बेसिस पर चलाई जाएगी, यानी कि पुरानी ट्रेन्स को ही रिप्लेस करके नई जनरेशन की रेल्स के बाद को चलाया जाएगा। अब अगला क्षेत्र देखते हैं, जैसे जिसको हम कृषि मानते हैं, जो हमारा एक अहम क्षेत्र माना जाता है। सरकार कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर हाईटेक सेवाओं का मिलाप चाहती है, इसीलिए ड्रोन्स का प्रयोग भी किया जाएगा। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो अभी काम कर रहा है बुंदेलखंड में, जिसके तहत 62 लाख से ज़्यादा लोगों को पीने का पानी मिलेगा, वैसे ही 5 और प्रोजेक्ट संबंधित राज्यों के परमिशन के बाद कार्यान्वित किए जाएंगे। एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो नई शिक्षा नीति के बाद सरकार अब आधुनिकीकरण पर ध्यान देते हुए नजर आई। किसके? शिक्षा के आधुनिकीकरण पे, क्योंकि जिसके तहत अब हम बात कर रहे हैं 1 Class 1 TV चैनल प्रोग्राम को, इसको 200 से ज़्यादा टीवी चैनल्स पर दिखाया जाएगा और एक डिजिटल विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाएगी। अगर हम ड्रोन्स की बात करते हैं तो सरकार का इसके ऊपर खासा ध्यान है। सरकार इसके ऊपर खासा ध्यान इसलिए दे रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि ड्रोन्स एज अ सर्विस वाले स्टार्टअप को कौशल विकास के तौर पर बढ़ावा दिया जाए। पिछले 2 साल में सरकार के नाक में दम करने वाले कोरोना या स्वास्थ्य क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। कोविड की वजह से सरकार के नाक में दम हुआ है और आम जनता के भी। क्या है, क्या नए अपडेट्स आए हैं इसके बारे में? नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू करवाया जाएगा, नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ को भी लागू किया जाएगा, उसकी शुरुआत भी की जाएगी। इसमें IISc बैंगलोर भी संबंधित है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0 को भी किया जाएगा। आंगनवाड़ियों में भी कई सारे बदलाव आने की उम्मीद है। अब तक सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग बजट को एनालिसिस कर रहे थे या बजट का एनालिसिस कर रहे थे, अब हम देखते हैं कि पैसा या इकोनॉमिक तौर पर क्या क्या बजट में बदलाव आएंगे। प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लाया जाएगा, जिसके तहत उद्योग और अनुसंधान साथ में फल फूल सकेंगे। इसी के साथ में ईज ऑफ लिविंग भी लाया जाएगा, जिसमें बढ़ोतरी के लिए सिटी प्लानिंग सेंटर्स और ई पासपोर्ट जैसे प्रावधान किए जाएंगे। BSNL में 45,000 करोड़ के निवेश के साथ इस साल 5G स्पेक्ट्रम का आवेदन भी निकाला जाएगा। निवेशों से बढ़कर देखें तो टैक्सेशन सिस्टम पर नज़र पड़ती है। क्रिप्टो करेंसी पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में रही, तो अब जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में कई सारी चर्चाओं को जोर मिल रहा था। इसी लेन देन से प्राप्त आय के ऊपर सरकार ने 30% कर का भुगतान करने की बात कही है। इसी में NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन का भी समावेश होता है। इसी के साथ रिजर्व बैंक जो भारत की सेंट्रल बैंक है, वो इंडिया की अपनी भारत की खुद की डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया को ब्लॉकचेन आधार पर डेवलप करेगी। इसी में आलोचना यह भी की जा रही है कि भारत के पास इसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं है, तो ये आलोचना खैर उस एक हिसाब से जायज भी है।
कर यानी कि टैक्सेशन जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कोई हर व्यक्ति दो प्रकार के टैक्सेस देता है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीज़ें हैं। कोई सबसे एकदम छोटा बच्चा से सबसे बूढ़ा व्यक्ति दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स के शिकार तो जरूर होते ही होते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं तो इस बार इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। वित्त मंत्री का कहना है कि डायरेक्ट टैक्सेशन में भले ही बढ़ोतरी ना हुई, भले ही कोई कमी ना हुई, पर बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। टैक्स सिस्टम के छूट में कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्शन इस बार शामिल रहा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उनका जो एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हैं तो उनमें उनको छूट मिलेगी। वो अब टैक्सेशन स्लैब में 18.5 से 15 वाले स्लैब में आ चुकी है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स वियरेबल्स इनके कच्चे माल पर भी कस्टम ड्यूटी की छूट दी जाएगी। इसकी वजह से 1 अप्रैल 2022 के बाद में जो भी प्रोडक्शन होगा उसके बाद में आप तक जो चीज़ें पहुंचेगी उसकी कीमत में कमी अपने को या आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं ऐसी प्रमुख योजनाओं के बारे में जो इस साल बड़े हिस्से की भागीदार रहेगी, जिसमें नेशनल हेल्थ मिशन, जल जीवन मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का समावेश है। ऑनरेबल मेंशंस वाले बदलाव की बात करें तो ई व्हीकल्स के लिए बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाई जाएगी, जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग स्टेशन पर भरोसा ना करते हुए या उसी के ऊपर पूरी तरीके से काम ना करते हुए बैटरी स्वैपिंग को भी एक बदलाव के तौर पर देखा जाएगा और उसके बारे में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको लागू किया जाएगा। अगर हम पोस्टल बैंक्स की बात करते हैं तो कोर सेक्टर या कोर बैंक सेक्टर के साथ में इसको कनेक्ट किया जाएगा और बेहतरीन बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात भी कही जा रही है। मैं आशा करता हूं कि ज़रूरत के हिसाब से और सरल भाषा में मैं आपको बजट समझाने में कामयाब रहा। आपकी राय और प्रश्न आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।